कुछ अंध विरोधी लोग जो कि अपनी अंधी मानसिकता के चलते हिंदू धर्म की किसी भी रीति रिवाज का अंध विरोध करने से बिल्कुल भी शंका नहीं करते हैं, क्योंकि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसे लोग जो कि सनातन विरोधी हैं, सेक्युलरवाद की टोपी पहने हुए हैं, वो लोग बिना किसी तथ्य के हिंदू धर्म की मान्यताओं को गलत ठहरा देते हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है होलिका दहन करने की प्राचीन भारतीय परंपरा। कुछ लोग कहते हैं कि आपके धर्म में होलिका दहन से केवल और केवल पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये केवल आपका अंधविश्वास है और आपको होलिका दहन की वैज्ञानिकता का पता नहीं होने के कारण उस व्यक्ति के सामने आपको चुप्पी साधनी पड़ती है। और कई कई लोगों तो अपने ही धर्म की मान्यताओं पर संशय करने लग जाते हैं। आखिर क्यों हमारे धर्म में होलिका दहन की परंपरा है, क्या है इसकी वैज्ञानिकता, आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म और क्रांति पर। यह पर्व पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकता पर आधारित है। इससे मनाने के भी कुछ खास प्रयोजन हैं। जाड़े की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऋतु बदलने में अनेक प्रकार की संक्रामक रोगों का शरीर पर आक्रमण होने लगता है, जैसे कि चेचक, खसरा, हैजा आदि। इन संक्रामक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म करने का एक सामूहिक उपाय है होलिका दहन। पूरे देश में रात्रि के समय एक ही टाइम पर होली जलाने से वायुमंडल में स्थित कीटाणु जलकर वायुमंडल में ही भस्म हो जाते हैं। इसी कारण होलिका दहन के लिए एक खास मुहूर्त भी निकाला जाता है और उसी खास मुहूर्त पर देश के सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होलिका दहन करते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह त्योहार उत्तम है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जलती हुई होली की प्रदक्षिणा करने से भी हमारे शरीर में कम 140 डिग्री फारेनहाइट गर्मी प्रविष्ट होती है। उसके बाद यदि कीटाणु हम पर आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की ऊष्मा उन्हें नष्ट कर देती है और हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। रंगों के भी हमारे जीवन में अनेकों लाभ हैं। अधिकांश शास्त्रकारों ने टेसु के रंग से होली खेलने की मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार हमारे होलिका दहन की जो परंपरा है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, कोई भी अंधविश्वास नहीं है। आज के बाद यदि कोई भी सेक्युलरवादी या फिर अंध विरोधी आपको कहे कि आपका होलिका दहन का जो परंपरा है, संस्कार है, वो एकदम अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक है, तो आप उसे एक सटीक उत्तर प्रदान कर सकते हैं। ये थी होलिका दहन के बारे में छोटी सी जानकारी। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है और हिंदुत्व से जुड़ी और जानकारियां प्राप्त करनी है तो सब्सक्राइब कीजिए धर्म और क्रांति को। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर हिंदू को अपनी मान्यताओं का भान हो और अपनी मान्यताओं और परंपराओं पर गर्व महसूस हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हिंदुत्व लिखना बिल्कुल ना भूलें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में, यानी कि एक नई स्टीक जानकारी में। तब तक जय श्री राम, जय हिंदुत्व।